लीडर बनेंगे नहीं, आप लीडर हैं, क्योंकि दुनिया की भीड़ से अलग निकलकर आपने आरसीएम का चुनाव किया है। और एक बात, खुलेआम डंके की चोट पर, खुलेआम डंके की चोट पर पूरे हिंदुस्तान को बोले कि अब आरसीएम के होने के बाद गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, पर गरीब मर जाना अब गुनाह है। अगर कोई गरीब पैदा हुआ तो उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाता तो उसकी गलती है। बिल्कुल, गरीबी किसी की नियति नहीं है, गरीबी किसी की परिस्थिति नहीं है, गरीबी उसकी सोच है, गरीबी उसका फैसला है, गरीबी उसका निर्णय है कि वो बदलना नहीं चाहता है, वो सीखना नहीं चाहता है, वो संगत नहीं अपनाना नहीं चाहता है, वो सिस्टम को नहीं जानना चाहता है। इसलिए गरीबी सबकी मिटाई जा सकती है। और इस मामले में अभी जो दौर चल रहा है, बहुत ध्यान से बात को सुनना, अभी जो दौर चल रहा है, जैसे कभी प्लास्टिक का युग आया, प्लास्टिक का युग आया तो प्लास्टिक क्रांति ने इतनी तूफान मचाई कि आज जो लोहे की चीजें बनती थी वो प्लास्टिक की बनने लग गई, जो लकड़ी की चीजें बनती थी वो प्लास्टिक की बनने लगी। ये प्लास्टिक की क्रांति का कमाल था। कंप्यूटर युग आया तो आज आप देखेंगे बिना पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी कंप्यूटर लग चुके, वो नहीं तो उनके बच्चे कंप्यूटर ले चुके हैं। मोबाइल युग आया तो हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया। अब डायरेक्ट सेलिंग का युग चल रहा है। 2021 का सर मीटिंग में बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का युग चल रहा है 2021, पूरी दुनिया मानती है, और भारत को नंबर वन होना है ये दुनिया मानती है। बहुत डिटेल में तो अभी नहीं दूंगा, दुनिया मानती है, और उसमें आरसीएम नंबर वन होने की कैपेसिटी रखता है। प्रमाणिक तौर पे आपके सामने बात करूंगा, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, पूरी डिटेल के साथ में 15 तारीख को सुबह 8 बजे। एक एक चीज आपके लिए नोट करने लायक होगी, एक एक चीज आपके लिए फोटो खींचने लायक होगी। मैं बताऊंगा कि किस तरह से आरसीएम अकेला बिजनेस है जो भारत के लिए बना है, भारतीयों के लिए बना है, और भारतीयों को जिताने के लिए बना है। ये चंद लोगों के लिए बना हुआ बिजनेस नहीं है, ये कंप्लीट इंडिया को कवर करने वाला बिजनेस है। कंप्लीट इंडिया की पॉपुलेशन मेंटेलिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उस तरह के प्रोडक्ट कोई आज ही कुछ दूसरी चीजों से जो कंपेयर करते हैं 10 लोगों से, उससे ये बात बनने वाली नहीं। हम ये पूरे भारत को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि भारत को नंबर वन बनाना है तो पूरे 138 करोड़ भारतीयों का ध्यान में रखना पड़ेगा। और आरसीएम अकेला वो बिजनेस है जो 138 करोड़ भारतीयों की मानसिकता को, परिस्थितियों को, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन हुआ है। और ये मैं इंसान की नहीं, गॉड का प्लान है। तो बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आरसीएम के माध्यम से आप सबको कामयाबी पाने का पूरा हक है, और कामयाबी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और आप एक ऐसी टीम के साथ हैं, आप एक ऐसे सिस्टम के साथ हैं, आप एक ऐसी कंपनी के साथ हैं कि आपको केवल छोटी छोटी आंखों में अगर बड़े बड़े सपने हैं तो कामयाबी के दिन आपके अपने हैं। अगर आपके सवाल छोटे हैं तो जवाब भी छोटे ही मिलने वाले हैं। अपने सवालों को बड़ा कर दूं, जवाब बड़े बड़े मिल जाएंगे, और कामयाबी के बड़े बड़े दिन आपके नाम लिखे जाएंगे। जब बड़े सवाल होंगे तो बातें भी बड़ी होगी। तो बिल्कुल सिंपल, तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू गुरुदेव, आपने वापस अपने शब्दों से सब में जो